धरती पर तो कीर्ति बिखेरी, गगन में भी ध्वज फहराया। हमारा ये कार्यक्रम ऐसी ही विशिष्ट महिलाओं से रूबरू होने का एक अनोखा प्रयास है। हम नारी के शरीर को ना दें, उसमें आत्मदर्शन, नारीत्व दर्शन करें। नमस्कार, एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस विश्व महिला दिन अंतर्गत एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ। और आज हमारे साथ है वर्सटाइल सिंगर और अनीता पंडित जी, जिनको कौन नहीं जानता है। वो एक वलसाड से है और काफ़ी सारे लोगों ने उनको टीवी पे देखा होगा और सोनी टीवी एक्स फैक्टर में वो टॉप फाइनलिस्ट रह चुकी है। सजदा सिस्टर के नाम से उनका ग्रुप था और वो वहाँ तक पहुँची है, फाइनलिस्ट रह चुकी है और बहुत ही जानी मानी वर्सटाइल सिंगर है। तो अनीता जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्ते। और सबसे पहले मैं आपका स्वागत और सम्मान करती हूँ। डी खुशाल भाई ज्वेलर की ओर से आपको ये गिफ्ट दिया जा रहा है। थैंक यू। और विश्व महिला दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अनीता जी से बात करेंगे कि वर्सटाइल सिंगर है, लेकिन उनकी ये संगीत के साथ जो जुड़ने की बात है, मतलब संगीत के फील्ड में वो कैसे आई, किस तरह से उनका ये वर्सटाइल सिंगर बनने का जो सपना था वो कैसे पूरा हुआ, और साथ में वो एक्स फैक्टर तक कैसे पहुंची और वहाँ का उनका जो अनुभव है वो हम आज जानेंगे उनसे। तो अनीता जी, फिर से स्वागत है आपका। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि जिस तरह से संगीत की दुनिया में, संगीत में आप काफ़ी आगे हैं, काफ़ी टेक्निकल चीज़ों में भी काफ़ी आगे हैं, और ये संगीत की जो आपकी फील्ड है उसमें आप कहाँ, मतलब कैसे आई आप? बिल्कुल, संगीत देखिए बड़ा सा महासागर है जिसमें कितने बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों को, मतलब हम सुनते आए हैं, इंस्पायर होते आए हैं। तो मैं एक मुसाफिर हूँ संगीत में, जो बस अपनी सफ़र में कर रही हूँ और जितना उसमें डुबकी लगाए वो कम है। तो बस एक आराधना मेरी सजदा रही है हमेशा, बचपन से मुझे मेरे पापा से मिला हुआ विरासत में संगीत, जिसकी मैं आज पूजा करती हूँ और जो भी गाती हूँ तो उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करके जो जितना दिया तो वो मेरे लिए बहुत है। और मैं कोशिश अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकूं, दिल से गा सकूं, लोगों के दिल तक मैं अपनी आवाज़ पहुंचा सकूं, यही मेरी हमेशा कोशिश रही है। जी जी जी। मैम, पर आपने कितने साल की एज में संगीत सीखा? जी बिल्कुल, वैसे मेरे पापा, मेरे फादर बहुत अच्छे और सच्चे इंसान और कलाकार थे, जो उनकी वजह से हमको ये विरासत में संगीत मिला। और मैं 5 साल की थी तब पापा मुझे बिठा कर ऐसे ही घर में सुना कर, मतलब बेटा ये गाओ ये गाओ, फिर मैं ऐसे 5 साल में थोड़ा बहुत गाती हो गई। फिर पापा के साथ मेरी 7 साल की उम्र में मैं पापा के साथ बाहर प्रोग्राम में जाने लगी, जो हर जगह पे पापा जाते थे तो लोग बोलते थे कि ट्रेन से आना जाना होता था रात में, कि भाई ये छोटी सी बच्ची को आप कहाँ लेके जाते हो और इतनी रात को। तो मेरे पापा हमेशा बोलते थे कि मेरी बेटी गाती है, तो बोले इतनी छोटी बच्ची गाती है तो मुझे सोई हुई को जगा कर गवाते थे, बेटा बैठ जाओ और गाओ। और पापा ने एक बार बोला और गाना शुरू नींद में से, तो वो लोग बोले कि ये क्या कर रहे हैं आप, वो बच्ची सो रही है। तो बोले कि नहीं, उसे संगीत की
सफ़र में हमेशा जागरूक रहना है और मेरा ड्रीम है, मेरा सपना है कि मेरी बेटी बहुत बड़ी गायिका नहीं पर एक अच्छी गायिका बने जी। तो ये उनका सपना था और बस आज वो सपने को मैं पापा के साकार करने का मतलब मैंने जो ठाना है, अभी बहुत कुछ मुझे करना है लेकिन जैसे जैसे मुझे भगवान की देन से और उनके आशीर्वाद से जैसे जैसे मुझे संगीत में आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है और मैं कोशिश कर रही हूँ तो और भी कुछ पापा के सपने हैं जो मुझे पूरे करने हैं जी। जब आपने गाने की शुरुआत की जी, तब आपने पहला गाना कौन सा गाया था? वैसे तो लता जी के पापा बहुत सारे मुझे गाना मतलब सिखाते थे कि ऐसे गाओ ऐसे गाओ, पर ये बहुत याद नहीं है। पर और कुछ आपका फेवरेट भी रहा हो ऐसा भी कोई सॉन्ग आप गा सकते हैं? फेवरेट में तो बहुत सारे पापा मुझे एक ये गाना है एक लता जी का नाम भूल गई मैं, आएगा मुझे याद फिल्म का, पर ये गाना मुझे मतलब मैंने पहली बार गाया था, नैना बरसे रिम झिम रिम झिम, नैना बरसे बरसे बरसे। वाह वाह क्या बात। तो ये सारे लग जा गले है गाना, फिर बहुत मुश्किल गाना भी मुझे मतलब बोले ऐसे गाना है हाँ। तब मेरी इतनी वो एज नहीं थी कि मैं सुन के कैसे गाऊंगी कैसे गाऊंगी, लेकिन पापा हर एक एक, एक लाइन मुझे ऐसे सिखाते थे। और वैसे हमारे घर का माहौल, मेरे बड़े भैया जो हम तीन बहन हैं और एक भैया भाई है मेरे, तो वो भैया भी गाते हैं, मेरी दो सिस्टर हैं वो भी, यानी पूरा फैमिली हमारा इस पापा के आशीर्वाद से आज जी, मतलब गा रहे हैं। संगीत की दुनिया में मतलब विरासत विरासत में पूरी फैमिली उसमें है आगे जी। और इसी तरह आपको ये संगीत आपके मतलब जीवन में आया और आपने पूरी लोगों तक ये अपनी संगीत पहुंचाने की कोशिश की, क्योंकि संगीत एक ऐसी चीज़ है कि संगीत से मिलता है सुकून, मैं ऐसा मानती हूँ। तो संगीत सुकून है ऐसा हम कह सकते हैं। और मेरे पापा बोलते थे यामिनी जी जी कि हमेशा गाते वक्त के संगीत में वो ताकत है वो शक्ति है कि वो उसमें एक वो बोल बोलते थे कि संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसे हैं राम, रागी जो सुनाए राग मधुर तो वो रोगी को मिले आराम। यानी वो कलाकार कितना छोटा हो या बड़ा लेकिन एक डॉक्टर है एक मरीज के लिए वो भी जी, 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 के जी, बिल्कुल। कितने गाने हैं यामिनी जी, भजन है या कुछ भी, अगर आपका सर दर्द कर रहा हो या कहीं भी बॉडी पेन कर रही हो और कुछ आपने सुन लिया कार में या तो आपको रिलैक्स लगेगा, तो ये क्या हुआ कि ये संगीत से आपको वो एनर्जी मिल गई जी, तो जी, ये जी। संगीत है शक्ति ईश्वर की। एकदम सही बात बताई कि संगीत की साधना अगर आप करते हैं या तो संगीत सुन भी लेते हैं, म्यूज़िक जितने भी आप मतलब थके हुए हो तो भी संगीत थोड़ा सा भी सुनते हैं तो आप रिलैक्स फील करने लगते हैं। और संगीत मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कौन सा संगीत सुनो, बिल्कुल किसी कुछ भी कुछ भी आपको जो पसंद है, रॉक में भी आप कुछ भी आपको जो पसंद है वो आप सुनते हैं तो आपको काफ़ी मतलब अच्छा, मैंने कहा ना कि संगीत सुकून है तो मतलब एक सुकून फील होता है। तो बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने अनीता जी की, जिस तरह से संगीत में आप कैसे आई, आपकी जो आप लाइफ जर्नी हम आज दर्शकों को बता रहे हैं और हमारा जो शीर्षक है कि एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ, तो आगे चलते हैं और अनीता जी से जिस तरह से वो एक फैम रह चुकी है, एक टीवी में काफ़ी रियलिटी शो में वो एक फाइनलिस्ट रह चुकी है, उनके नाम से ही वो फेमस है अभी फ़िलहाल कि सचदा सिस्टर के नाम से वो फेमस है और सोनी टीवी एक्स फैक्टर में वो फाइनलिस्ट ऑफ फाइनलिस्ट में आई है। तो मैं आपको अनीता जी पूछना चाहूँगी कि ये रियलिटी शो में जाने के लिए आपने कैसे सोचा और वहाँ की जर्नी भी हमारे साथ शेयर कीजिए। जी बिल्कुल,
एक कलाकार के लिए जब हम छोटे थे तो ऐसे कोई रियलिटी शो होते नहीं थे, लेकिन आज मुझे इतनी खुशी है कि गली गली में कोने कोने में जो संगीत है तो ये चैनल द्वारा आज लोगों के सामने रख सकते हैं और हम पहचान सकते हैं, सुन सकते हैं कि यार ऐसे भी गली में या कोने में अच्छे सिंगर है। तो ये रियलिटी शो बहुत ही अच्छा, क्योंकि आज हम लोग देखिए गुजरात में, मैं वलसाड में रहती हूँ तो मुझे सूरत, बड़ौदा या अहमदाबाद इतने लोग जान सकेंगे, जहाँ जहाँ तक मैं पहुँच सकती हूँ। लेकिन टीवी के ज़रिए, टीवी के उसमें मैं 162 देश, तो वो लोगों ने आज हमको देखा कि गुजरात में और वलसाड़ में, और ऐसे भी सिंगर हैं जो आज संजय भंसाली के हमारे मेंटर थे, लेकिन उन्होंने भी इतना अपने आप को मतलब भाग्यशाली समझा कि मैं गुजराती होने का फ़ख्र है कि सजदा सिस्टर ने आज क्या कुछ नहीं गाया जी। जो हमने रॉक, कवाली, पॉप सॉन्ग, क्लासिकल सॉन्ग, सारे सॉन्ग गाए, तो ये मतलब बहुत बड़ा और अच्छा टीवी का रियलिटी शो है जो हमको 4 महीने उनके साथ रहने को मिला, सोनू निगम जी, श्रेया जी और संजय भंसाली जी, तो बहुत सारे एक्सपीरियंस, बहुत कुछ हमको सीखने को मिला कि ये संगीत की बदौलत है और ऊपर वाले की रहम है कि अगर आप में आवाज़ जो दिल तक पहुंचने वाली हो तो आप कहीं से भी लोगों के पास सामने पहुंच सकते हैं जी। लेकिन ये शो में जिस तरह से आपने बताया कि बहुत ही ऐसे टॉप लेवल के सिंगर्स थे और जो जूरी में भी होंगे और आपके साथ भी रहे होंगे, तो जिस तरह से आपको सिलेक्ट किया गया तो वो किस बेस पे आपको सिलेक्ट किया गया? हाँ, इंडिविजुअल सारे ऑडिशन हो रहे थे और अहमदाबाद में मैंने भी ऑडिशन दिया। जो मेरी बहन है रेखा रावल, बहुत अच्छी सिंगर है, वो बड़ौदा की, उसका बहुत सारा नाम है और बहुत अच्छा गाती है वो, तो उसने ऑडिशन साइलेंट में था बड़ौदा में, तो फिर मेरा भी नाम उसने जिक्र किया चैनल को कि मेरी बड़ी दीदी है, उनको भी मैं बुला लेती हूँ। तो मैं सूरत में ही मेरा शो था तो मैं जा नहीं पाई, लेकिन बोले कि एक वीक बाद आप फाइनल ऑडिशन में आप बुलाइए, तो मैं अहमदाबाद गई। फिर हम लोग ने बहुत सारे सूरत के, पूरे गुजरात के कंटेस्टेंट्स थे जी, उसमें से हम लोग सिलेक्ट हुए और फिर मैंने ये सजदा नाम दिया और इस तरह से ऑडिशन थे, यानी बहुत अच्छा ऑडिशन था कि चुन चुन के लोगों को उन्होंने दुनिया के सामने रखा जी। बट कितने जो पार्टिसिपेंट्स कितने थे उसमें से आप सिलेक्ट हुई? पार्टिसिपेंट तो अहमदाबाद, पूरा सौराष्ट्र, पूरा यानी गुजरात आ गया इसमें, पर 5 लोग सिलेक्ट हुए थे, उसमें से ये सजदा ग्रुप था जो सजदा सिस्टर, फिर सोनू निगम ने, हम दोनों रियल सिस्टर थे और एक मेरी नीस थी, इसलिए फिर सजदा सिस्टर कर दिया, लेकिन हमारा सजदा ग्रुप, तो ये हम ग्रुप बना करके गए और हमें इतनी खुशी है कि हम 4 महीना हमने वहाँ रहकर टॉप फाइनलिस्ट बने और गुजरात का नाम रोशन किया। जी जी, मतलब मैं अनीता जी से बहुत बहुत वापस एक शुभेच्छा देती हूँ, क्योंकि ये गुजरात का गौरव है। मतलब गुजरात की कोई ऐसी सिंगर जो एक्स फैक्टर तक पहुँची, सोनी टीवी की जो रियलिटी शो था उसमें पहुँची और वहाँ फाइनलिस्ट होके आप आए, वो बहुत बहुत ही बड़ी बात है, प्राउड होने की बात है और गुजरात के लिए बहुत बड़ी बात है कि रियलिटी शो में मेरे ख्याल से गुजरात के बहुत कम लोग सिलेक्ट होते हैं और बहुत कम लोग जाते हैं, इसी में आपका सिलेक्शन हुआ और आप वहाँ तक गई। लेकिन और एक बात है कि एक्स फैक्टर जो नाम है, आपने जिस तरह से कहा कि कुछ आपने ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सक्लूसिव कुछ दिया होगा तभी आपको सिलेक्ट किया गया। जी बिल्कुल, एक्स फैक्टर यानी एक ऐसा रियलिटी शो आया 2011 में कि हर साल रियलिटी शो में ये कंपटीशन का जो ये शो होता है तो इंडिविजुअल लोग परफॉर्म करते हैं कंटेस्टेंट, लेकिन ये पहली बार 2011 में ऐसा शो आया
जो ये फॉरेन में भी होता है एक्स फैक्टर, लेकिन ये एक्स फैक्टर इंडिया यानी उसमें एक ऐसा राउंड था कि ग्रुप में भी लिए गए, तो वो लोग ग्रुप बनाकर भी गए। और उसमें एक्स फैक्टर यानी क्या कि गाया हुआ गाना या कुछ भी तो आप गा सकते हो सुन के, लेकिन आप उसमें अपनी क्रिएटिविटी एक्स फैक्टर आप क्या दिखा सकते हो, आपके अंदर जो एक्स फैक्टर है वो वहाँ मंच पे आपको पेश करना है। तो ये है एक्स फैक्टर। जी जी जी, तो वहाँ पे आपने कुछ जो परफॉर्म किया है उसी की दो लाइन यहाँ भी सुना दीजिए। बिल्कुल, वैसे तो 4 महीना हम लोग ने बहुत सारे गाए थे सॉन्ग्स, पर संजय भंसाली जी हमारे मेंटर थे, तो उन्होंने मुझे उनकी ही फिल्म का एक गाना गवा करके मुझे लॉन्च किया था कि अनिता ग्रुप में है लेकिन हम लोग उसे इंडिविजुअल भी सुनना चाहते हैं। तो एक गाना था उनका हम दिल दे चुके सनम का, तो अलविला सजन आयो रे। वाह वाह, तो ये मेरा भी फेवरेट है। जी सुनाइए सुनाइए। सजन आयो रे अलबेला, सजन आयो रे मोरा मन अति सुख पायो रे अलबेला, सजन आयो रे अलबेला, सजन आयो रे। वाह वाह, इतनी मधुर आवाज़, इतनी सुंदर आवाज़, किसको सुनने का मन ना होगा। मैं तो आज इतने दो लाइन में ही पूरी खो गई। तो आपको मैं चाहूँगी, मैं ज़रूर आपको पूरी पूरा दिन तक भी सुनेंगे तो कम रहेगा, लेकिन इतनी मधुर आवाज़, इतना मधुर कंठ आपको दिया है सरस्वती जी की कृपा से, आपको इतना अच्छा संगीत का जो माहौल दिया है, आपके परिवार में जो जिस तरह से हुआ है, इस तरह से आप आगे आई है, तो ये आप फेमस हुई यहाँ पे कि एक रियलिटी शो में जाके आपने जो एक्सपीरियंस किया, जो अनुभव किया, और वहाँ से आप काफ़ी कुछ सीखे। पर अनिता जी, बहुत अच्छी बात है, आप गुजरात का एक गौरव है, पर अभी आप वहाँ शो के बाद आपकी जर्नी कैसी रही और अभी आप फिलहाल क्या करते हैं? बिल्कुल बताइए। एक्स फैक्टर में हम तीन लोग जो थे, मेरी एक नीज शिवरंजनी पंडित और मेरी रियल सिस्टर रेखा रावल, जो मैंने आपको बताया जी, तो हम तीन लोगों ने ये 4 महीना वहाँ पे रह करके इतना कुछ सीखा मैंने बताया। और वहाँ से निकलने के बाद चैनल के बहुत सारे शोज़ किए और इतनी खुशी होती थी कि आज सद्दा सिस्टर के नाम से लोग हमें देखकर जानते हैं और मतलब इतना प्यार देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और चैनल का मैं आज भी शुक्रिया अदा हमेशा करती रहूँगी और करती हूँ कि चैनल के ज़रिए कलाकार को कहाँ कहाँ वो लोग जानते हैं, पहचानने लगते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है। और ये प्रोग्राम के बाद एक कलाकार को देखने का नज़रिया भी अलग हो जाता है, जो ऐसे नॉर्मली हम शो करते थे, स्ट्रगल करते थे, तो आज एक चैनल के ज़रिए एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म हमको मिला है। मैंने बताया कि हम तीन लोग थे, आज तीनों का खुद का ग्रुप है इंडिविजुअल, तो सारे हम तीन, कभी रिक्वायरमेंट हुई तो हम तीन भी काम करते हैं और अलग अलग खुद का ग्रुप है, तो तीनों अलग अलग हम काम कर रहे हैं, तो लोगों का इतना प्यार मिलता है और चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी जी, तो अभी अभी फ़िलहाल आप जिस तरह से आपने बोला कि ग्रुप में भी काम करती है, बट इंडिविजुअली अभी आप क्या करती है? मैं मेरा खुद का अनिता पंडित सजदा लाइव इन कॉन्सर्ट, अनिता पंडित लाइव इन कॉन्सर्ट मेरा खुद का ग्रुप है जी। और जो मैं ये मेरे नाम से इवेंट मेरे प्रोग्राम होते हैं, मेरे शोज होते हैं, फिर ये गरबा हो, भजन हो, सूफी सॉन्ग का हो, म्यूजिकल का हो, तो ये सारे शोज में मेरे नाम से इवेंट्स होती है। जी 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 जी,
जी बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी आपका, और जिस तरह से हमने आज बात की है, एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ, और हमारे साथ थी आज अनीता पंडित जो वलसाड़ से है और सजदा सिस्टर के नाम से एक रियलिटी शो सोनी टीवी में एक्स फैक्टर में फाइनलिस्ट रह चुकी है। ऐसी अनीता जी से हमने आपको मुलाकात करवाई है। अनीता जी, हमारे इस शो के बाद भी आप काफ़ी गुजरात में फेमस हो जाएगी, क्योंकि ये हमारा जो चैनल है वो वर्ल्ड वाइड है, एंड अभी जो हमारे व्यूवर्स है वो 45 लाख हमारे साथ ये व्यूवर्स जुड़ चुके हैं, और ये जो शो है वो ऐसी ही मतलब आत्मनिर्भर महिलाओं के लिए स्पेशल शो ये हमने ऑर्गेनाइज किया है, प्लान किया है, और आप यहाँ पे आई आज और हमारे साथ ये आपकी बातें शेयर की, और दर्शकों को भी आप अच्छा लगा होगा। जो अगर आपको दर्शक मित्र को मैं कहना चाहूँगी कि हमारा शो अच्छा लगा हो, या तो अनीता जी के लिए लिए कुछ आप मैसेज देना चाहते हैं, तो ज़रूर हमारे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज लिख सकते हैं। और अनीता जी बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत ही मतलब आप और भी आगे शो करें और आपकी मधुर आवाज़ लोगों तक पहुँचाती रहे, ऐसी शुभकामनाएँ देती हूँ। और आगे चलते हैं एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ में, नेक्स्ट एपिसोड में वापस मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। मालूम नहीं, इस वक्त मैं आपको सुन के मतलब दिल भर गया भाई मेरा। ये एक्स फैक्टर का मंच इसके लिए भी है कि हमारी जो पुरानी चीजें हैं, जो हमारी बंदिशें हैं, जो हमारा क्लासिकल फॉर्मेट है, वो हमेशा गूंजता रहना चाहिए। सर, मैं एक बार अपने जो दिल की बात है वो आप तीनों जज गुरु से कहना चाहता हूँ। अगर आप लोग हमें यहाँ पर लेकर नहीं आते तो हम लोग यहाँ पर गा भी नहीं पाते। तो जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया।
हूँ।